मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सर महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। मैं अगर जेल में भी जाता हूँ आपने जद्दोजहद करते रहे और मैं हमेशा 27 साल से कहता हूँ पुरमन जद्दोजहद, लेकिन ये आपके लिए इतना जरूरी है क्योंकि ये मैं ये जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। अगर जात के लिए कर रहा होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ चुका होता, कौन अपनी जिंदगी को दांव पे लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान आ गया। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, पुरअमन एहतजाज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब रहनुमाओं का बयान आ चुका है कि मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेशावर में सड़कों पर निकल आए, सड़कें बंद हो चुकी हैं, पेशावर के रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुके हैं। पेशावर में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग निकल चुके हैं, लाहौर में भी कई रास्ते बंद हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी लोग निकल रहे हैं। इसी तरह मुल्क में हर जगह हर कोने में इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर वकील एतज़ाज़ अहसन का भी बड़ा बयान आया। एतज़ाज़ अहसन का कहना था कि कल तक मैं इमरान खान को रिहा करवा के आऊँगा।